आज हम डिस्कस करेंगे डिटेक्टिव नॉवल। डिटेक्टिव नॉवल, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जासूसी वाले उपन्यास। तो ये जो उपन्यास होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, इसके क्या सैलियंट फीचर्स होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। डिटेक्टिव नॉवल्स आर नोन एज नॉवल्स ऑफ एडवेंचर्स। इन उपन्यासों को जो खोज के उपन्यास होते हैं, एडवेंचर्स के उपन्यास होते हैं, उसके नाम से जाना जाता है। आर्थर कॉनन डॉयल, जी के चेस्टर्टन, एडगर एलन पो, ये जो हैं इस प्रकार के उपन्यासों के जो डिटेक्टिव नॉवल्स लिखते हैं, उसके मुख्य राइटर्स हैं। डिटेक्टिव नॉवल्स डील विद मिस्ट्री एंड सस्पेंस। साथियों, ये जो उपन्यास होते हैं, डिटेक्टिव उपन्यास होते हैं, इसमें मिस्ट्री होती है और सस्पेंस होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों, आप CID देखते होंगे जो सोनी चैनल पर आता है। CID में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक मिस्ट्री, एक रहस्य और सस्पेंस को दर्शाया जाता है। तो सेम वही चीज़ है डिटेक्टिव नॉवल्स में। जो डिटेक्टिव नॉवल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, एक मिस्ट्री होती है और एक सस्पेंस होता है। इट डिपिक्ट्स हीरोज हीरोइक पर्सनैलिटी। इसमें हीरो की हीरोइक पर्सनैलिटी को दर्शाया जाता है। साथियों, जो डिटेक्टिव नॉवल्स होते हैं, उसमें हीरो के हीरोइज्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। दीज नॉवल्स रिप्रेजेंट द रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ सोसाइटी। समाज में जो घटनाएं घट रही होती हैं, उनको यहाँ पर एक काल्पनिक रूप में, एक फिक्शनल वे में प्रेजेंट किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समाज का आईना ही होते हैं ये। समाज में जो घटने वाले क्राइम होते हैं, उनको दर्शाया जाता है डिटेक्टिव जो नॉवल्स होते हैं इसमें। दीज नॉवल्स एंचेंट द रीडर्स विद द लव एंड रोमांस। इसमें लव एंड रोमांस को स्पेशल चार्म ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। दीज टाइप्स ऑफ नॉवल्स हैव कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट। साथियों, इस प्रकार के जो नॉवल्स होते हैं, उनका प्लॉट सिंपल और लूज नहीं होता है। इनका प्लॉट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनकी जो कथा वस्तु होती है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की होती है। द मोस्ट पॉपुलर डिटेक्टिव नॉवल्स वर प्रोड्यूस्ड इन 20th century। जो मोस्ट पॉपुलर डिटेक्टिव नॉवल्स थे, वो 20वीं शताब्दी में प्रोड्यूस किए गए। साथियों, इट इज़ जनरली एपिसोडिक इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स। जो ये डिटेक्टिव नॉवल्स होते हैं, ये एपिसोडिक होते हैं, मतलब इसमें जो घटनाएं हैं ना, वो सीरीज बाय सीरीज दर्शाई जाती हैं। तो इस तरह से इनमें घटनाओं को दर्शाया जाता है। एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिटेक्टिव नॉवल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। आर्थर कॉनन डॉयल का लिखा हुआ शर्लॉक होम्स जो है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस डिटेक्टिव नॉवल्स में से जाना जाता है। अगर जो हम उपन्यासों की बात करते हैं डिटेक्टिव नॉवल्स की, तो सबसे ऊपर नाम इसी का आता है, शर्लॉक होम्स का नाम आता है। साथियों, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो डिटेक्टिव नॉवल्स होते हैं, उनको नॉवल्स ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता है। आर्थर कॉनन डॉयल, जी के चेस्टर्टन और एडगर एलन पॉ, इसके फेमस राइटर्स हैं। डिटेक्टिव नॉवल्स में मिस्ट्री और सस्पेंस को जगह दी जाती है। ये हीरो की हीरोइज्म को दर्शाते हैं। ये रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इसमें लव एंड रोमांस को जगह दी जाती है और इसका जो प्लॉट होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। और जो 20th century में सबसे ज़्यादा जो उपन्यास 20वीं शताब्दी में डिटेक्टिव नॉवल्स लिखे गए, और ये एपिसोडिक होते हैं साथियों। और इसके अलावा शर्लॉक होम्स जो है, जो आर्थर कॉनन डॉयल का लिखा हुआ डिटेक्टिव उपन्यास है, वो सबसे ज़्यादा फेमस उपन्यास इस श्रेणी में आता है। उम्मीद है साथियों कि आपको जो मैं BA MA इंग्लिश लिटरेचर की जो वीडियोज़ करा रहा हूँ, या TGT PGT इंग्लिश को लेकर जो मेरी वीडियोज़ चल रही हैं, ये आपको पसंद आ रही होंगी। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट हापुड़।